गोविंदगढ़ जालौकी मार्ग पर स्कूली छात्र छात्राओं ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी समय तक यातायात बाधित रहा। छात्रों की मांग थी कि तालरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ की कमी के चलते उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही। इसके चलते छात्रों ने स्टाफ की मांग करते हुए जाम लगाया। तालरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ की कमी के चलते छात्र छात्राओं का विरोध सामने आया। इस स्कूल में लगभग 300 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन संख्या के अनुरूप स्टाफ की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही। वहीं परीक्षाएं भी सिर पर हैं। इसके चलते अभिभावकों में भी आक्रोश व्याप्त है। उनका आरोप है कि स्थानीय विधायक को भी कई बार इस संदर्भ में अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। आखिर छात्र छात्राओं ने आज गोविंदगढ़ जालों के मार्ग पर जाम लगाया है। मास्टर लेट आ में पढ़ाई ना हो रही। और स्टाफ कितना है? 7 मास्टर हैं लेट आ में वो भी। अच्छा, किस किस के मास्टर नहीं है? संस्कृत, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी। अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ते तुम? 8वीं में। वही प्रधानाचार्य बाबूलाल सैनी ने स्वीकार किया कि स्कूल में स्टाफ की कमी के चलते परेशानी तो है, आगे अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जा चुकी है। स्टाफ की कमी के कारण भाई स्टाफ जो है पर्याप्त मात्रा में हो, स्टाफ की कमी के कारण जो है। कितना का स्टाफ यहाँ पे? इसमें मात्र 7 का है मेरे सहित और 2 पंचायत सहायक। और अपने स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 307। फिर क्या आपने अपने उच्च अधिकारी को खुद कराया स्टाफ के लिए? वो क्या है, सभी साफ दर्पण पर फीड हैं और उनसे मैं व्यक्तिगत खैर नहीं मिला, लेकिन उनको पता है और काउंसलिंग चल रही है, लेकिन यहाँ किसी की पोस्टिंग नहीं थी। तो ग्रामीणों का आरोप है जो स्टाफ है वो कुछ लेट भी आता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई आते हैं तो मैं काम से भेजता हूँ, जो बाबू नहीं है, अगर कोई ऐसा कोई बात नहीं।